फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा सजवान। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि देखिए, माँ बाप हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखिए, अक्सर क्या होता है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं और वो चाहते हैं कि हम जिंदगी में सक्सेसफुल हों, लेकिन इन चीज़ों ये जो वो सोचते हैं और वो जो करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जाने अनजाने में हमारे साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं या ऐसा कुछ हमारे साथ या फिर ऐसा कुछ हमें सिखाते हैं कि जो हमारे लिए आगे चल के बहुत ही नुकसानदायक होता है। नुकसान में देखिए, माँ बाप दोस्त या दुश्मन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि दोस्त वो होता है जो हमारा अच्छा चाहता है और दुश्मन वो होते हैं जो हमारा बुरा चाहते हैं। तो माँ बाप कभी भी किसी बच्चे का बुरा नहीं चाहते, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो वो करते हैं हमारी ज़िंदगी में, और सबसे अहम भूमिका होती है बच्चे की ज़िंदगी में माँ बाप की, क्योंकि जो बच्चा है वो माँ बाप का भविष्य है और वो उसमें अपना भविष्य, अपने सपने सब कुछ देखते हैं बच्चे में कि ये मेरे सपनों को पूरा करेगा या फिर ये आगे बढ़ के हमें संभालेगा। बहुत सारी उम्मीदें उनसे जुड़ी होती हैं। तो आइए मैं बात करती हूँ कि वो ऐसी क्या गलतियाँ हैं जो वो करते हैं, और अगर देखिए सभी पेरेंट्स ऐसे नहीं होते, तो अगर आप लोगों को मेरी बातें बुरी लगें, कड़वी लगें, हो सकता है आपको ये मैं जो कहने जा रही हूँ वो अच्छा ना लगे, लेकिन देखिए मैं उस चीज़ को सामने रखती हूँ जो मुझे लगता है। तो चलिए मैं आपसे बात करती हूँ। अब हमें इतना समझाते हैं या इतनी चीज़ें बताते हैं कि आपके लिए ये सही है, वो सही है। आपने कभी सोचा है कि बच्चे के लिए क्या सही है? बच्चे को भी ये जानने दिया जाए, बच्चे को भी ये समझने दिया जाए कि उसके लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमेशा आप अपने सपनों को या आप जो चाहते हैं वो बच्चा करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो बच्चे को उतना समझाएं, अच्छे और बुरे का फ़र्क बता दें। बाकी बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ज़िंदगी में क्या करता है। जब जब आप अगर उस चीज़ के लिए बोलेंगे कि नहीं बेटा, ये ऐसे नहीं करना है, ये वाला करना है, ये कोर्स करना है, ये पढ़ाई करनी है, तो यकीन मानिए बच्चा वो चीज़ें नहीं करेगा। क्योंकि जब ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जिस चीज़ को हम जब जब मना करते हैं तो वो काम करने में बहुत मज़ा आता है, वो काम करके देखना है कि ये ऐसा क्यों है या इसको मना क्यों कर रहे हैं। तो बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा पूरा हक है, उनको भी डिसाइड करने दीजिए कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना। दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी कि जब हम बच्चों की केयरिंग करते हैं, मतलब केयर मतलब बेटा यहाँ मत जाओ, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, कभी मैं आप लोगों से एक बात कहूँगी, आप लोग सोचिए कि आपके माँ बाप ने आपको कैसे पाला था, कितनी आपकी केयर की थी, कितना आपको पैम्परिंग की थी कि बेटा ऐसा मत करो, बाहर मत जाओ, धूल है, मिट्टी है, ये मत खाओ, वो मत खाओ। आप सोचो कि आप इतने स्ट्रांग जो हुए हो या आप आज जो काम कर पा रहे हो वो किस वजह से? वो इस वजह से कि आपके माँ बाप ने बहुत ज़्यादा आपकी केयरिंग नहीं की, बहुत ज़्यादा आप पर रोक टोक भी नहीं की कि ऐसा नहीं, और हर वो काम आपसे कराया या हर वो काम आपसे उन्होंने बोला कि ये भी करना है, वो भी करना है। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ और सिर्फ बेटा पढ़ाई कर और मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ तुम्हारे खाने पीने से, या फिर जिस जिसके पेरेंट्स ने किया होगा तो आज आप उनका रिजल्ट देख सकते हैं। मैं देखिए, हर एक पेरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगी कि केयरिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उतनी केयरिंग जितनी कि एक बच्चे के लिए होनी चाहिए। छोटे बच्चे को केयर की ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से, मिनिमम 4 या 5 साल तक, उसके बाद आप इतनी केयर मत कीजिए। खाना बेटा ठीक है, जो भी चीज़ है उन इतनी केयर करना बंद करें कि उन्हें आपकी केयर की आदत पड़ जाए और वो बाहर जाके काम करें या कुछ भी चीज़ करें, वो उसमें असफल हो जाएं। मैं आज ये चीज़ें इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसका जो अभी आप जो कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो भी चीज़ हम करते हैं हमें उसका रिज़ल्ट आज की आज नहीं मिलता, हमें उसका रिज़ल्ट फ्यूचर में मिलता है। और फिर हम फ्यूचर में जाके या बच्चे जब बड़े होते हैं तब हम बोलते हैं ये मेरी बात नहीं मान रहा, ये ऐसा नहीं कर रहा, ये वैसा नहीं कर रहा, या इसने ये नहीं किया, वो नहीं किया। और बच्चा उसी तरह से, बच्चा भी बच्चा ही है देखिए, तो वो उसको आपने कभी बताया ही नहीं, उसको आपने कभी ये चीज़ें सिखाई ही नहीं, तो वो कैसे करेगा। थर्ड पॉइंट है कि जब आप बच्चे को कुछ समझाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उन्हें समझाते हैं, बताते हैं, तो वो नहीं बताते कि बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं, कैसे आपको काम पूरा करना है, कैसे आपको पैसे कमाने हैं, कहाँ पे आपको ये करना चाहिए, कैसे रिश्ते निभाते हैं, कैसे क्या, आप कुछ नहीं बताते। लेकिन सडनली जैसे ही बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि वो उस पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, वो कमाए, वो मतलब हर वो काम करे जो आपने ज़िंदगी में किया।
तो देखिए कि जब बच्चा छोटा होता है तब आप उसको एकदम फ्री छोड़ देते हैं। फ्री का मतलब है कि बेटा कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ आपको ये काम करना है, सारे काम आप करके सभी काम अपने बच्चों के लिए करके दे देते हैं। और ये मैं अगर अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अपने आसपास के ऐसे बच्चों के एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जिस बच्चे ने शुरू से काम किया होगा, हेल्प की होगी और भी सारे कामों में पढ़ाई के साथ साथ, वो आज सारे काम कर रहा होगा आज भी। और जिस बच्चे ने हमेशा पैम्परिंग या जिस बच्चे ने हमेशा किया हुआ या जैसे काम माँ बाप कर ही देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई या एक दो मतलब बाहर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, वो आज रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में घबरा रहा होगा या वो आज ये चीज़ें नहीं कर पा रहा होगा। तो आपको कैसे बच्चे बनाने हैं वो आप पे डिपेंड करता है। हम हमेशा फ्यूचर अपने बच्चों का अच्छा चाहते हैं, हम सब चीज़ अच्छी चाहते हैं, लेकिन हम बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझाते हैं कि आपको बेटा आगे जाके कैसे रहना है, क्या करना है, खुद से कैसे आपको सारे काम करने हैं, बिना किसी हेल्प के आपको कैसे सारे काम करने हैं, आप ये चीज़ें नहीं बताते हैं। और ये चीज़ों में आप तो मुश्किल में पड़ते ही हैं, उसके साथ साथ बच्चे भी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा टाइम होता है जब आपने शुरू से ही बच्चे को नहीं सिखाया, एकदम से आप थोप देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए लड़का बड़ा हो गया है, अब उसकी शादी करनी है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो अब आप एकदम से उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देते हैं कि बेटा अब शादी भी है तो रिश्तेदारी भी है तो फिर बाद में बच्चे भी हैं, तो ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं कर सकता क्योंकि आपने कभी उसे ये चीज़ें सिखाई ही नहीं है। और ये बच्चे की गलती नहीं है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि शुरू से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो अब वो इसके लिए रेडी नहीं है। इसलिए बच्चों को हमेशा उनको छोटी छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही देनी चाहिए ताकि वो बड़े होकर आपके लिए या अपने लिए कुछ कर पाएँ। ये फोर्थ मैं बोलूँगी कि शायद आप लोगों को बुरा लगे, देखिए अब जैसे गर्मी का सीज़न है फॉर एग्ज़ाम्पल, आइसक्रीम बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही मज़े आते हैं, मतलब मज़ा आता है उनको आइसक्रीम खाने में। तो अब आप डेली आपने रखी हुई है फ्रिज में, बेटा जब आपका मन है, जब आपको खानी है मस्त आइसक्रीम खाओ, कौन सा फ्लेवर चाहिए वो भी आपने बच्चों के लिए डिसाइड करके रखा हुआ है, मेरे कौन से बच्चे हो कौन सा फ्लेवर चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को पता है कि मुझे फ्रिज में जाना है और निकालना है और खाना है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बच्चा शायद आइसक्रीम से बोर हो जाए, या देखिए क्योंकि मैं ये चीज़ इसलिए बोल रही हूँ कि आप उसको हमेशा जो उसने मुंह से बोला आप चीज़ें दिला देते हैं, कर देते हैं, या फिर आप उसके बोलने से पहले ही आपको पता है तो आप चीज़ें सब चीज़ें बच्चों के लिए एज अ टच ले आते हैं, मार्केट से सब चीज़ें उसके लिए परचेज़ कर लेते हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे चीज़ें एक समझने वाली चीज़ है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपने बच्चों को आइसक्रीम नहीं खिलाएं या आप अपने बच्चों को जो उनके पसंद की चीज़ें नहीं दिलाएं, लेकिन थोड़ा सा उनको वेट कराएं, थोड़ा सा उनको वेट कराएं, क्योंकि इस चीज़ से क्या होता है, मान लीजिए अब आपने डेली रख दी तो बच्चे को पता है कि रखी है और मुझे खानी है और है हमारे पास ना, तो बच्चों के माइंड में है कि सभी चीज़ें मेरे माइंड मतलब मेरे पास होंगी, मैं जब जब पापा मम्मी से बोलूँगा तब तब वो चीज़ें मेरे सामने आ जाएंगी। एक बच्चे के अंदर एक तड़प नहीं रहती है, कहने का मतलब है कि देखिए अगर आप कभी कभी दोगे या कभी कभी मिलेगी तो बच्चे को उसको खाने की अंदर से बच्चे को क्या रहेगा कि हाँ मुझे आज आइसक्रीम मिलेगी, वो बच्चे के अंदर से बात आएगी या उसको उस खाने का मन करेगा। लेकिन ये चीज़ें आपने भी देखी होंगी कि हम किसी भी चीज़ को जब हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है और हमें नहीं मिलती, और एक वक्त के बाद जब वो चीज़ मिलती है तो उसकी जो इम्पोर्टेंस होती है वो हमारे लिए बहुत बढ़ जाती है। बात ये छोटी सी है लेकिन अगर आप सोचेंगे तो बहुत बड़ी है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है आइसक्रीम का, आप कुछ भी ऐसी चीज़ें अपने देख सकते हैं कि आप जब भी बच्चों को बोलने से पहले या फिर बच्चे ने बोला है तो ठीक है आप ठीक है बेटा ये लीजिए ये लीजिए, तो बच्चे में उसकी भूख ख़त्म हो जाएगी, वो आगे जाके क्या करेगा क्योंकि उसे पता है कि सब चीज़ें मुझे मिल जानी है। बच्चे के माइंड में ये आता है कि मुझे इसके लिए कोई ऐसी मेहनत तो करनी नहीं है, कुछ भी तो मुझे करना नहीं है, मुझे तो सब कुछ मिल जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं ये हमें आज से देखनी है, और ये ही आपकी गलतियाँ हो जाती हैं, ये जो छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं ये आपकी गलतियाँ हैं और ये प्रॉब्लम हो जाती है बच्चे के साथ, क्योंकि उसको आपने हमेशा हर चीज़ आपने देखिए अच्छी करी है। मैं यही बोल रही हूँ कि आपकी अच्छी करी हुई चीज़ भी बुरी हो जाती है, क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अच्छा हो जाता है वो भी बेकार है, बहुत ज़्यादा बुरा है वो भी बेकार है। तो एक लिमिट बना के रखिए हर चीज़ की,
बच्चे को समझाइए, बच्चे को बताइए, और जो चीज़ें करनी चाहिए वो अपने बच्चों के साथ कीजिए, ना कि वे फिजूल में खर्चा या ये या फिर किसी। और ये चीज़ें कोई, आप एक बार बताइए, अगर बच्चे को आइसक्रीम ही पसंद है या आपके बच्चे को किंडर जो है पसंद है, कुछ भी आप डेली दोगे तो उसको वो चीज़ों की इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ें लेनी है या मुझे इसके लिए कुछ काम करना है। ये कोई भी चीज़ हो, आगे चल के यार छोटे से टॉयज से बड़ी, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये चीज़ें बड़ी चीज़ों में बदल जाती हैं, तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मैंने आज का टाइटल ये रखा है कि कुछ अच्छी चीज़ें बच्चों पे भारी पड़ जाती हैं, तो प्लीज़ इतना भी अच्छा मत कीजिए जो आगे चल के उनका भविष्य खराब हो, या वो कुछ करने से पहले उन्हें 10 बार सोचे या उनको कुछ समझ ही ना आए, क्योंकि उनके माइंड में इतनी खिचड़ी पक जाती है ना बच्चों के दिमाग में कि हमेशा यार अच्छा और हमेशा अच्छी चीज़ें, हमेशा एक डिमांडिंग। आप लोगों से एक चीज़ और बोलूँगी कि जो भी बच्चे की रुचि है, जो भी उसका इंटरेस्ट है, उस पर ध्यान दें और उसको सीखने के लिए प्रेशराइज़ करें कि ठीक है बेटा ये सीखो, इसे ऐसा करो। कोई भी चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, कोई भी काम गलत नहीं होता, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, बच्चा कुछ भी कर सकता है। अगर उसका पढ़ाई में मन नहीं है तो प्लीज़ उसे ज़बरदस्ती पढ़ाई में मत घुसाएं कि नहीं पढ़ाई ही करनी है, या पढ़ाई ही आपको सक्सेस तक पहुँच, आपकी सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। एक बेसिक जो नॉलेज है वो बच्चे को होनी चाहिए, बाकी बच्चा जो ज़िंदगी में करना चाहता है प्लीज़ उस पर ध्यान दें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।